बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जहां एक तरफ नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस इस केस की छानबीन में जुट चुकी है। अब तक सुशांत सिंह राजपूत के करीबियों के साथ साथ इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज से पूछताछ मुंबई पुलिस कर चुकी है। वहीं हाल ही में सामने आया कि मुंबई पुलिस ने जाने माने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा को पूछताछ के लिए बुलाया। आदित्य ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट भी दिया। बता दें कि आज सुशांत सिंह राजपूत मामले में आदित्य चोपड़ा का बयान दर्ज किया गया। आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक यशराज फिल्म्स के चेयरमैन हैं। उनका बयान बांद्रा पुलिस के वर्सोवा पुलिस थाने में दर्ज किया गया। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने यशराज प्रोडक्शन के साथ काम किया है। सुशांत सिंह राजपूत ने यशराज फिल्म के साथ शुद्धेश रोमांस और ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्में की है। इससे पहले यशराज के कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा का बयान भी दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि आदित्य चोपड़ा ने मुंबई पुलिस से करीब 3 घंटों तक उनसे पूछताछ हुई। वो आज 9 से 12 बजे तक वर्सोवा पुलिस स्टेशन में थे। वो करीब 12 बजे आदित्य पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। वहीं अभी तक इस पूछताछ से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो आदित्य चोपड़ा और सुशांत सिंह राजपूत के बीच हुई वो खबरें सामने आई है। वो खबर है कि फिल्म के कास्ट को लेकर सुशांत से शेखर कपूर के साथ पहली फिल्म मुलाकात यशराज के स्टूडियो में हुई थी, जिसके बाद यशराज फिल्म्स ने प्री प्रोडक्शन का काम शुरू किया। प्री प्रोडक्शन में तकरीबन 5 करोड़ रुपए का खर्च भी किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की डेट्स भी ब्लॉक कर ली गई थी। फिल्म में अपने किरदार को लेकर सुशांत काफ़ी लगन से काम में जुट गए थे। वर्कशॉप के दौरान भी उनकी एक्टिंग स्किल में उनका जुनून दिख रहा था। सुशांत ने इस प्रोजेक्ट के लिए कई फिल्में भी छोड़ दी थी। तभी फिल्म के कंटेंट को लेकर शेखर कपूर और आदित्य चोपड़ा में कुछ गिले शिकवे हो गए, जिसके कारण से फिल्म का करार टूट गया। इसकी जानकारी जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चली तो वो टूट गए। शेखर कपूर ने यह भी कहा कि उस शाम को सुशांत मेरे पास आए, वो मुझे पकड़कर मेरे कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे थे। उसे रोता देख मैं भी टूट गया था और मैं भी रोने लगा। फिल्म बंद होने का सदमा उसे इतना लगा था कि वो शायद डिप्रेशन में जाने लगा था। मैंने उसे संभालने की कोशिश की और उसे समझाया भी कि ये किरदार वो कभी भी पर्दे पर ज़रूर दिखाएंगे। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस सही वक्त का इंतज़ार करो। बता दें कि यहाँ पर ये जो सवाल पूछे गए ये फिल्म पानी को लेकर थे। तो ये थी वो सच्चाई जहाँ पर ये सच्चाई सामने आई है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। नेक्स्ट नाइट रजनी की रिपोर्ट।